देखो सेंटर ऑफ मास हमने किया था, सेंटर ऑफ मास के अंदर ये आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं कि चार मासेज है, 1, 2, 3, 4, और 1 मीटर साइड है स्क्वायर का, तो आपको सेंटर ऑफ मास बताना है कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में ये 1, 1 मीटर है तो आप इसे ओरिजिन मान लें 0, 0। ये ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1, 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 1, और इसका क्या होगा, 1, 1। तो x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, m1 m2 m3 m4 पता है, तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा लेना, m1 x1 वाला आंसर आ जाएगा। इजी है ये, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मेंस में और नीट में बहुत क्वेश्चन आएंगे, मेंस में तो भरे पड़े हैं। तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि आपके पास एक डिस्क है, एक डिस्क में से आपने एक छोटी डिस्क को काट दिया, मटेरियल निकाला, उसको काट के यहां पे रख दिया, तो लेफ्ट के पोर्शन से कट किया मास और यहां पर प्लेस कर दिया, तो क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कैसे चेंज होगी। अब मुझे पता है कि इस सेक्शन में लेफ्ट सेक्शन में ज्यादा मास होगा, तो सेंटर ऑफ मास लेफ्ट सेक्शन में चला जाएगा, ऐसे ही होगा। अगर मैं दोनों को काट के फेंक देता तो सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज ना आता, क्योंकि सिमिट्री है ना, तो इधर से भी गया, सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहता। इसमें एक जगह से काट के दूसरी जगह भर दिया, अब सेंटर ऑफ मास की नई लोकेशन निकालनी है। जितने भी क्वेश्चन ये कटिंग कुटिंग वाले हैं, इधर से डिस्क काट दिया, उधर से स्क्वायर काट दिया, इसको करने का पहले स्टाइल देख लो। स्टाइल ये है, बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन लिखा हुआ है, फॉर अ लैमिना, लैमिना का मतलब क्या होता है, 2D बॉडी, डिस्क एक लैमिना है, शीट एक लैमिना, स्फेयर एक लैमिना नहीं है, 3D बॉडी नहीं, 2D बॉडी। तो 2D बॉडी है विद यूनिफॉर्म नेगलिजिबल थिकनेस, सेंटर ऑफ मास निकालने का ये फॉर्मूला हमने किया हुआ है, m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर, एज चलता जाएगा n तक। सो वीडियो लैग हो रही है थोड़ी। अब बाकियों की भी हो रही है क्या, बाकी स्टूडेंट्स की भी हो रही है? यस एक सेकेंड, थोड़ा वेट करो। इसमें ना मेरे ख्याल से मेरे पास कोई नेट कनेक्शन भी नहीं है, मैं चेंज भी नहीं कर पाऊंगा। चलो वेट करो, मैं धीरे करता हूँ थोड़ा सा। तो आर सेंटर ऑफ मास का ये फॉर्मूला आपने क्या करना है, मास को पुट करना है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या है, एरिया इनटू थिकनेस इज वॉल्यूम, और डेंसिटी ये रो, ऐसी एरिया इनटू थिकनेस इनटू डेंसिटी ये रो, ऐसे नीचे। तो ये आपके पास एरिया की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। इसकी जगह रादर इसकी जगह ये करें, अगर किसी मास को हम रिमूव कर दें फ्रॉम रिजिड बॉडी, अब हमने क्या किया, मास को काटा और फेंक दिया, तो ऐसे केस में फॉर्मूले में प्लस की जगह क्या जाएगा, माइनस। तो m1 r1 वेक्टर माइनस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 माइनस m2, या फिर एरिया की फॉर्म में भी आ जाएगा, a1 r1 वेक्टर माइनस a2 r2 वेक्टर अपॉन a1 माइनस a2, या x कोऑर्डिनेट की फॉर्म में भी सेम चीज आएगी एरिया की फॉर्म में, और y कोऑर्डिनेट की फॉर्म में भी सेम चीज आएगी। तो आप ये फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, एक ये वाला फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला नोट कर लें। क्वेश्चन कैसे करने हैं वो अभी बताऊंगा, एक लाइन में आंसर आएगा आपका, बस आप ये वाला फॉर्मूला नोट कर लें बस, ये ठीक है। शीट में शेयर कर दूंगा, अगर PDF चाहिए होगी तो गूगल ड्राइव पे मैं डाल दूंगा उसे, ठीक है। नहीं ऊपर चाहिए नहीं, बस ये करना है, चाहिए नहीं ऊपर का फॉर्मूला। तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, स्पेशली ये दो फॉर्मूला बड़े काम के हैं, इनके ऊपर तो पक्का क्वेश्चन आएगा। देखो क्या क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे इसका आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि सपोज आपके पास एक डिस्क है, बहुत आता है ये क्वेश्चन, डिस्क में से एक छोटी डिस्क काट दी और फेंक दी, तो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं हो जाएगा, तो आपको बताना है कहां शिफ्ट हो जाएगा। तो रूल नंबर वन, इसमें दो बॉडीज हैं, पहली बॉडी कंप्लीट डिस्क है, दूसरी बॉडी ये छोटी डिस्क है, तो जो कंप्लीट डिस्क है उसका एरिया क्या है, पाई ए स्क्वायर, क्योंकि रेडियस ए है, और जो छोटी डिस्क है उसका रेडियस है a/2, तो एरिया क्या होगा, पाई इंटू a/2।
टू का स्क्वायर। तो ए वन आ गया, ए टू आ गया। ए वन का मतलब कंप्लीट बॉडी का एरिया, ए टू का मतलब जो पोर्शन काट के फेंकना है उसका एरिया। ए वन ए टू आ गया। नेक्स्ट है, अब आपको ये पता है कि इसका जो कोऑर्डिनेट है सेंटर का, इमेजिन कर लें ये कोऑर्डिनेट है 0.0, तो कंप्लीट डिस्क का कोऑर्डिनेट क्या है 0.0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ए बाय 2.0, ए बाय 2.0। तो कंप्लीट डिस्क का 0.0 और कटी हुई डिस्क का ए बाय 2.0। तो एक्स कोऑर्डिनेट की अगर बात करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 है और इसका कितना है ए बाय 2। तो लगाओ फॉर्मूला, ये देखो क्या फॉर्मूला करवाया, ये फॉर्मूला करवाया। तो ए वन का मतलब कंप्लीट डिस्क जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0, कटी हुई डिस्क का एरिया और कोऑर्डिनेट क्या है ए बाय 2, डिवाइडेड बाय बड़ी डिस्क से छोटी डिस्क का एरिया माइनस 1, लाइन में आंसर आएगा, डन। बहुत सही मेथड है ये। बोलो बोलो सर, स्क्रीन काफी, बाकी लोगों को भी स्क्रीन नहीं दिख रही क्या, सेम प्रॉब्लम है? यस सर। क्या इसमें क्या हैंग हो रही है, क्या हो रहा है इसमें सर? आपकी नेटवर्क बैंडविड्थ लो है। मैं ना इसको एक्चुअली ठीक भी नहीं कर पाऊंगा अभी। काफी ब्लर हो रही है और लैग भी हो रही है बात।